भैया अभी जैसे ही मैं आया था ना, जैसे ही मैं पहुंचा, मैंने इससे पूछा कि तो भैया आज आपके रोहित पहाड़ी हैं अपने खेत में, और क्योंकि भाई मेरा मन था कि आज मैं सेंटा क्लॉस बनके घूमूंगा, लेकिन भाई मैं सबके साथ आऊंगा सबके, और क्रिश्चियन लोग, हिंदू, मुस्लिम, जितने भी लोग ना, सारे लोग आके यहाँ पे कैंडल जलाते हैं और सब लोग तो क्रिसमस मना रहे हैं और मैं अपने खेत में बैठा हुआ हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? सब लोग बढ़िया, शानदार और जबरदस्त। और आज आप सोच रहे हो कि आपके रोहित पहाड़ी भैया ये कहाँ हैं, इतने कीचड़ कचार खेत में भैया, क्योंकि ना भैया हम आ गए हैं विदेश से, और अपने देश में आने के बाद ना पूरा देसी अंदाज में आपको दिखाई देंगे आपके रोहित पहाड़ी। और अभी आज आपका 24 दिसंबर भी है और कल क्रिसमस भी है, मतलब मेरा प्लान तो आज का था ना कि मैं आज आपका सेंटा क्लॉस बनने जाने वाला था आपका। मैंने स्टोरी भी डाल दी थी अपने इंस्टाग्राम पे कि मैं भैया हल्द्वानी जा रहा हूँ और सेंटा क्लॉस की जो ड्रेस है वो कहाँ मिलती है, क्योंकि यार आपको पता है जब आपका क्रिसमस आता है ना तो हर कोई बंदा सेंटा क्लॉस और ऐसे बहुत सारे मतलब क्रिसमस ट्री उन सब की शॉपिंग वॉपिंग करता है, परचेज वर्चेज करता है, ताकि भैया अपने सारे लोगों को ना बढ़िया तरीके से दिखाया जा सके कि भैया सेंटा क्लॉस वाले या फिर मेरी क्रिसमस के टाइम पे भैया कैसी रहती है वाइब। लेकिन मैं कहाँ हूँ देखो भैया, मैं यहाँ हूँ कीचड़ में अपने खेत में, क्योंकि भैया यह हमारा खेत है गेहूं का, जहाँ पे हमने गेहूं की बुआई करी थी। तो भैया आज मेरा प्लान ना पूरा कैंसिल हो गया, मतलब हमारा बाजार जाने का पूरा प्लान कैंसिल। अब मैं सोचा था कि आज के दिन ब्लॉग बना के कल डाल दूंगा ताकि 25 दिसंबर को सारे लोग देख लेंगे, लेकिन नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हमारी चल रही भैया गेहूं में पानी की झुलाई। पानी की झुलाई मतलब कैसे, आपका कुछ लोग हमारे खेत में, जो हमारे खेत में काम भी करते हैं वो लोग भी हैं जिन्होंने मतलब हमारे खेत को ना आधे में लेते हैं, आधे बोले तो अधिया होता, मतलब इस खेत में जितनी भी फसल होगी ना तो आधी आधी होगी हमारी, तो वो लोग भी मतलब हमारी हेल्प करते हैं काम में। तो पापा भी उधर बैठे हैं, देखो सामने पापा उधर बैठे हैं चाय पी रहे हैं, और भाई उधर है, देखो आज भाई ने भी छुट्टी उट्टी ले रखी है अपने ऑफिस की, वो उधर खड़ा है, पापा इधर खड़े और खेत में कुछ लोग काम कर रहे हैं उधर। तो मुझे लगा कि यार चलो, मैं पहले ना आज ब्लॉग बना ही नहीं रहा था, लेकिन मेरे को लगा चलो यार आपको दिखाना चाहिए कि मतलब रोहित पहाड़ी की ना बिहाइंड द सीन जो लाइफ है वो कैसी होती है, क्योंकि एक ये भी चेहरा है आपके रोहित पहाड़ी का जो मतलब आप लोगों ने देखा नहीं होगा। वैसे खेती किसानी वाले बहुत सारे ब्लॉग आपने देखे, लेकिन आज मैं आपको दिखाता हूँ कि मतलब इस लेवल पे भी हम लोग खेत में काम करते हैं। तो क्योंकि गेहूं में ना आपका जो शुरुआत की 3 बुवाइयाँ होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा मतलब काम की होती हैं, उस टाइम पे ना अच्छे से अगर बुवाई नहीं हुई तो आपकी गेहूं की जो फसल है ना वो बढ़िया तरीके से होती नहीं है। तो मेरा ना पूरा कहते हैं सेंटा क्लॉस बनने का सपना आज का ख़त्म हो गया, अब कल अगर बन पाऊंगा तो ठीक है, सेंटा क्लॉस बन के आप सबको ब्लॉग आएगा, क्योंकि मेरे को तो अभी जाके पता भी करना है कि सेंटा क्लॉस वाली कहते ड्रेस कहाँ मिलेगी। भगवान जाने, मेरे पाँव देख रहे हो ये अपने, अभी ना जब मैं बाहर आ रहा हूँ तब तो मेरे पैर ना बिल्कुल अच्छे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उसके बाद तो भाई जब एक बार कीचड़ में घुस जा रहा हूँ ना फिर तो भाई मेरे पैर ना ऐसे हो जा रहे हैं, मुझे लग रहा है नीचे पानी के अंदर कितौले वितौले सब मेरे पैरों में आ रहे हैं। आपको आपको अपने पापा का दूसरा स्टाइल दिखाता हूँ, आपने हमेशा शाम वाला स्टाइल देखा है, ये आपका दिन वाला स्टाइल है। तो इधर तो ये पापा पी रहे हैं चाय। पापा हेलो बोलो, हेलो बोलो जोर से, हेलो कैसे हो, बोलो कैसे हो, जैसे शाम को बोलते वैसे बोलो। हाँ भैया कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो पापा तो इधर बैठे हैं, तो पापा की आवाज में वो दबंगई अभी नहीं दिखाई दे रही आपको, बाद में शाम को दिखाई देगी। चूहा 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 चूहा, ये देखो चूहा 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 चूहा। भाई गेहूं के खेत में ना ये चूहे ना गड्ढे वड्ढे कर देते हैं हमारे खेतों में, और ये देखे अपने बिल में घुस गया, ये अपने बिल में घुस गया घुस गया घुस गया घुस गया घुस गया। भाई ऐसे कितने चूहे होंगे खेत के अंदर, बाबरे। तो देखो ये अंकल जी हैं जो हमारे खेत में मतलब हमारे खेत में अधिया करते हैं, और आधा काम ये करते हैं आधा काम हम करते हैं। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कितने घंटे हो गए करते करते? बहुत समय हो गया भाई साहब। कितने घंटे हो गए करते करते? सिंचाई करते हुए। हाँ 3 घंटे। 3 घंटा हो गया। तो भाई 3 घंटा पूरा हो चुका है इसमें गेहूं में लगाते लगाते, और मैं आपको आप दिखा रहा हूँ, क्योंकि ना अभी तक मैं सोच रहा था कि यार ब्लॉग बनाऊ नहीं बनाऊ, ब्लॉग बनाऊ नहीं बनाऊ, पता नहीं आप लोग कैसे देखोगे क्या देखोगे। मैंने कहा यार चलो यार जो सच है वो दिखा देते हैं आप लोगों को। इसी खेत में हमारे लीची के पेड़ भी हैं और इसी खेत में हमारे गेहूं की बुआई भी हो रही है। वो देखो भाई, देखो उधर सामने भाई अपना उधर खड़ा है, वो बिल्कुल बाबूजी बनके देख रहा है, देखो वहां से कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि होता क्या है ना, हमारे यहाँ पर पानी की दिक्कत है तो बिल्कुल भी नहीं है, पानी को लेकर तो कोई टेंशन ही नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या पानी ना समय के हिसाब से बटा हुआ होता है, मतलब कहने का मतलब है कि सबको 2-2, 3-3, 4-4 घंटे का समय मिलता है गेहूं बुआई के टाइम पे। तो आज हमारा नंबर था, तो हमने कहा चलो आज हम सारे परिवार वाले खेत में झुलाई उलाई कर लेते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक। तो भाई अगर आपने ना गेहूं की बुआई झुलाई नहीं देखी है ना, तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि खेत की झुलाई होती कैसे। देखो भाई क्या क्या करना पड़ता है एक गाँव के किसान को। तो भाई ऐसा है ना, क्योंकि एक किसान आदमी को ना घर में सब कुछ करना पड़ता है, तो फिर हमने कहा चलो आपको दिखाते हैं। वैसे पता है मैंने आज से पहले कभी गेहूं झोले नहीं है, तो मुझे ना गेहूं झोलने का पता नहीं है स्टाइल कैसा है, इसलिए पापा ने ना दो लोग पापा के साथ जो खेत में काम करते हैं उन लोगों को पता है कि खेत क्या झोलते हैं, लेकिन मैंने गुड़ाई करी है, मैंने
आपका आम के थामले बनाए, बहुत सारी चीजें बनाई है, लेकिन आज मैं पहली बार खेत में झुलाई कर रहा हूँ, गेहूं झुलाई कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि आपको भी दिखा देना चाहिए खेत में आके झुलाई होती कैसी है। ऐसे पानी को लाना पड़ता है भाई, एक किसानी में ना एक गेहूं आपके थाली में रोटी में जब रोटी बन के आता है ना, वो कैसे आता है, उसके पीछे कितना प्रयत्न होता है, वो एक किसान आदमी जानता है। क्या बात, सही बात नहीं है? सही बात। तो भैया आज आपके रोहित पहाड़ी है अपने खेत में, और अपने खेत में ना भाई हम लगा रहे हैं आज गेहूं में पानी, क्योंकि इसके माध्यम से ना आपको पता चलेगा कि आपके रोहित पहाड़ी ना भैया खाली विदेशों में नहीं घूमते हैं, शहर शहर ही नहीं घूमते भैया, खेती किसानी भी एक चीज होती है जो हमको करनी पड़ती है। तो ये उसका एक मतलब ये वाला रूप आपने शायद आज से पहले कभी देखा नहीं होगा, क्योंकि भाई अगर आप किसान हो तो आप इस चीज को ना बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे, अगर आप किसान नहीं हो ना तो शायद आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। सब लोग तो क्रिसमस मना रहे हैं और मैं अपने खेत में बैठा हुआ हूँ, ठीक है भैया। और देखो सनसेट भी हो गया, तो मुझे लगा ब्लॉग शुरू कर देना चाहिए मैंने, इसलिए एक बात और ना, जब तक ना हमारे लीचे के पेड़ ना बड़े नहीं हो जाते ना तब तक हम इसमें गेहूं लगा सकते हैं, लेकिन एक बार अगर पेड़ बड़े हो गए और पेड़ छाया देने लगे ना तो फिर इसमें हम गेहूं की खेती नहीं कर सकते हैं। तो जब तक लीची के पेड़ छोटे हैं तब तक गेहूं के मजे लेते हैं, और जब लीची के पेड़ बढ़ जाएंगे फिर हम लीची खाएंगे। तो इसमें ना पूरे 100 पेड़ लगाए हमने लीची के इस पूरे खेत में, यहाँ से वहाँ तक देखो आप, देख रहे हैं आपको। चलो आज तो पूरा दिन खेत में कट गया, लेकिन इसी बहाने ना अंदर से ना वाइब भी वैसी आ रही धरती पुत्र वाली, ये धरती सुनहरी अंबर नीला सा देश है मेरा, ऐसा कुछ फील आ रहा है। मतलब कभी कभी जब मैं खेती में आता हूँ तो मुझे अच्छा भक्ति वाला कहते हैं, देशभक्ति वाली फील आ जाती है। तो भैया चलो ऐसा ना, अभी आपका कम से कम हो गए 4 से 5 घंटे को, मतलब पूरे पूरे करते करते हो गए अब 1 घंटे। भैया जी मेरा तो आज हैप्पी क्रिसमस हो गया यार, बढ़िया वाला। मैंने कितना कुछ प्लान किया था, इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगाई, सब लोगों को बताया, सब लोग बोले थे रोहित, और बहुत सारे लोगों के फोन भी आ रहे थे मुझे कि रोहित भाई कहाँ पे मिलना है, और बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि आपका मुखानी पे आपको सेंटा क्लॉज की ड्रेस मिल जाएगी। और मत पूछो यार, मतलब क्या कहते हैं ना कि आप कितने ही प्लान कर लो, होना वही है, जो होना होता है कहते हैं ना, जो फिक्स होता है वही होता है, वही हुआ हमारे साथ भी। और हम यहाँ खेतों में पानी लगा रहे हैं देखो आज, बट कोई नहीं यार, देखो आप कितना महीने महीने ना विदेश घूमो देश घूमो, बस जिस दिन घर वालों का काम होता है ना उस दिन आप काम कर दो, बस घर वाले खुश, घर वाले धन्य कहते हैं, हम तो धन्य हो गए जी, हमारा बेटे ने हमारे काम में हेल्प कर दी, और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। आप देश घूमो विदेश घूमो, लाखों की बाइक लाओ, खर्चा करो, कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन घर वालों का काम है खेत वाला, वो काम हो जाना चाहिए बस, किसी भी हालत में, बाकी उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। भाई यार देखो खेत से घर आ रहा था और एक पोपट हो गया तकड़ा वाला, और हुआ क्या पोपट, देखो मेरा चप्पल टूट गया यार, पूरा ही चप्पल देखो, हद है यार, एक नुकसान हो गया अच्छा खासा मैंने आपका। तो भाई साहब वैसा है, मैं आपका पैदल पैदल रोड में तो आ गया, और मैंने गाड़ी घर से बुला ली है, सामने देखो अपना भाई भी आ गया गाड़ी लेके, चाचा का बेटा, भाई आ गई अपनी गाड़ी, और टूटे चप्पल से चलना हो रहा था मुश्किल, तो हमने कहा चलो अपनी गाड़ी मंगा लेते हैं। और कितने लंबे टाइम बाद मैं अपनी पल्सर में बैठ रहा हूँ, देखो आज अलग ही मजा आएगा। चलो भाई देखो इसको लेके नहीं गए थे हम खेत में, वरना भाई इसमें ना हमारे पैरों की तरह इसमें भी हुआ था कीचड़। तो देखो दो दो बाइक घर में, अब चलते हैं मम्मी को देते हैं खुशखबरी कि खेत हमने पूरा झोल दिया है बढ़िया तरीके से। फटाफट से हाथ पैर धो लेते हैं, हमने ना अपने घर के पीछे ना ट्यूबवेल भी लगा रखा है बढ़िया वाला, ये देखो अब, क्योंकि ना हाथ पैर पूरे गंदे हो गए, कीचड़ कीचड़ हो गया। आपका खेत वेत से घर आ गया और नहा धो के ना बढ़िया तरीके से फ्रेश हो चुके हैं, मैं मतलब जॉगिंग वॉगिंग करके भी आ गया हूँ, और भाई आज खेत में काम धाम किया है। तो भैया आज ना घर में आइए, देखो चाउमीन आई है शाम को, और सारे हमारे घर के पहलवान देखो चाउमीन खाने में लग गए हैं एक एक करके, मौसी क्योंकि मौसी को चाउमीन पसंद है और मम्मी को भी चाउमीन पसंद है, और इनको तो चलो आज खेत में काम किया है तो चाउमीन तो बनती है ना फिर, ठीक है चाउमीन वाउमीन खाते हैं फिर। अभी आज क्या कहते हैं आपका, कल क्रिसमस भी है 25 तारीख, तो हमारे ना पास में एक चर्च भी है, अगर आज वहाँ फंक्शन होगा तो आज देखेंगे, अगर कहते हैं वो फंक्शन कैसे होता है, क्रिसमस से पहले क्या क्या तैयारियां होती है, वो सब कुछ भी आपको दिखाया जाएगा अगर हम। भैया जी हमने खाना शाना सब कुछ खा लिया है, अब क्या है ना आज आपको बताया कि आज क्रिसमस की रात है, और आज रात ना आपका ईसा मसीह जी का जन्म होता है, और हमारे लेगा तो मैं और हिमांशु रेडी हो गए, तो हम निकलते हैं यहाँ से आपका चर्च की तरफ। तो भैया जी फाइनली आपके रोहित पहाड़ी पहुंच गए भैया के चर्च के अंदर, और भैया इस टाइम पे क्रिसमस के दिन हर के अंदर क्या वाइब रहती है वो भी आपको दिखानी बनती है। यार मैं आपको हर मंदिर तो दर्शन कराता हूँ, महादेव के हो या कैसे भी हो, तो भैया आज क्रिसमस है तो आपको चर्च के दर्शन भी कराएंगे, ठीक है। देखो चर्च की और बहुत बढ़िया तरीके से खूबसूरत तरीके से चर्च को सजाया हुआ है। तो भैया जी फाइनली आपका हम चर्च के अंदर आ गए हैं, तो आपको ना एक बार चर्च के अंदर भी जाके दिखा देंगे भाई किस तरीके से मनाया जाता है। और फ्रंट में ना आपके चर्च के सामने ना बहुत सारी कैंडल जल रही है, और यहाँ पे कोई क्रिश्चियन लोग होंगे ना उनसे मैं जरूर पूछूंगा कि इसका मतलब क्या है, और ये दीपावली में हम लोग दिए जलाते हैं ना, तो शायद इसी तरीके से यहाँ पे कैंडल जलती है, उसका क्या वजह है क्या मतलब है, थोड़ा सा बात कर लेंगे कुछ लोगों से। आंटी आप लोग क्रिश्चियन है आपको पता है? अच्छा नहीं है ना, कोई है यहाँ पे कोई क्रिश्चियन है?
मैंने जस्ट पूछा, मैं ये कैंडल का मतलब पूछ रहा था कि आखिर कैसे कैंडल जलाने की वजह क्या है करके। लोग तो ऐसे भाग रहे हैं, ये कैमरा बंदूक थोड़ी है। अच्छा जैसे दिया जलता है, मुझे लगा क्या पता कोई वजह भी होती होगी। पता कर लेते कोई क्या वजह कभी होती है वजह। अच्छा अपने विशेष मांगते हैं, जैसे हम लोग दीपावली में दिया जलाते हैं वैसे उस तरीके से। तो भैया लोग डाउट बना रहे हैं इसलिए मुझे लोगों से पूछना पड़ता है। मैरी क्रिसमस, आप सभी लोगों को क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज अंदर ही अंदर ही मैरी क्रिसमस। आप तो डर नहीं लग रहा ना आपको? अभी तो देखो भैया ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि भैया आपका क्रिसमस डे ना सिर्फ क्रिश्चियन लोग मनाते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब जो क्रिसमस डे होता है हर कोई मनाता है, जैसे दीपावली हर कोई मनाता है ना और होली हर कोई मनाता है, वैसे ही भैया क्रिसमस को भी ना कितनी अच्छी चीज है यार। मतलब मैंने कहा हमें ना पता नहीं होता, इसलिए बहुत सारे लोगों को डाउट होता है इसलिए क्लियर कर रहे हैं। चलो मैं एक बार देखो इस तरीके से ना यहाँ पर आपका चर्च पे ना बहुत सारे लोग ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रिश्चियन लोग, हिंदू मुस्लिम जितने भी लोग ना सारे लोग आके यहाँ पे कैंडल जलाते हैं और अपने अपने विश मांगते हैं। तो आप सभी लोगों को मैरी क्रिसमस। तो भैया देखो हल्द्वानी में एक दिन इतना प्यार मिलेगा किसने सोचा था। भैया आप सभी लोगों को क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, भाई का एक चैनल है और भाई ये सेंटा बना है और पता है आज सुबह से ना सबको एंटरटेन कर रहा है, सबको खुश कर रहा है। तो यार आपका भी मतलब एक जिम्मेदारी बनती है, अगर कोई आपको खुश करने के लिए ना इतना कुछ मेहनत कर रहा है तो भाई भाई का एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है जबरा फैन, जबरा ब्लॉग, जबरा ब्लॉग। मुझे तो वाला फिर आ रहा हूँ मैं तेरा है। तो भैया आप सभी लोगों को हम हल्द्वानी वालों की तरफ से क्रिसमस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका टाइम हो गया है 10 बज गया, मैं सुबह से ना सब कुछ रिकॉर्ड करने के चक्कर में भाग रहा हूँ भटक रहा हूँ। तो आज का ये पूरा ब्लॉग यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं सेंटा क्लॉस के साथ में, क्योंकि भाई मेरा मन था कि आज मैं सेंटा क्लॉस बनके घूमूंगा लेकिन भैया परिस्थितियां इतनी विपरीत हो गई थी कि मैं कुछ कर नहीं पाया। बट कोई नहीं, फाइनली आज की रात हम सेंटा के साथ ही क्लोज कर रहे हैं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना, और जितने भी लोग देख रहे हैं ना भाई मैरी क्रिसमस कमेंट में लिखना, क्योंकि भैया ऐसा ना तभी सेंटा सपने में आएगा आपका। ठीक है ठीक है भाई, पूरी फीस होगी। ओके बाय बाय, बोल दो मैं सपने में आऊंगा सबको। मैं सबके सपने में आऊंगा सबके। और हैप्पी क्रिसमस लिख दो, लिख देना। विश यू वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस।